आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में वोटिंग धुआंधार, किसका होगा बेड़ा पार, खिचड़ी में राजकुमार और कांके में जीतू चरण भी खा गए हिचकोले। नीलकंठ कोनगाड़ी विकास अमित की क्षेत्र में पकड़ हुई है ढीली, पॉलुस की पैंतरेबाजी रहा कांग्रेस की परेशानी का सबब, ये चुनाव करेगा कई चौंकाने वाले खुल्ला से। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही से राजीव की रिपोर्ट। अब तक झारखंड की 7 सीटों पर वोटिंग के बाद सियासी गलियारे में आकलन का दौर जारी है। हो रही धुआंधार वोटिंग के बाद आखिर किसका बेड़ा पार होगा और कौन सियासी चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा, इसकी चर्चा आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। झारखंड में दूसरे चरण की 4 सीटों खूंटी रांची हजारीबाग और कोडरमा में मतदान पूरा हो चुका है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट का तजुर्बा ये कह रहा है कि रांची और खूंटी संसदीय सीट पर कई विधायक परीक्षा में फेल होते नजर आ रहे हैं। सिल्ली में झामुमो के अमित महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, कोलेबीरा से विक्सल कोनगाड़ी और तोरपा से पॉलुस सोरेन की पकड़ ढीली नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण उनका घटता चरणधार हो या फिर चुनाव को दिल से दिलचस्पी का नहीं लिया जाना। कहीं किसी के सामने पारिवारिक परेशानी हो तो किसी का पार्टी आलाकमान से ना बंधना, शुरुआती ट्रेंड यही बता रहा है कि अपनों की नाव इस क्षेत्र में हिचकोले खा रही है। कहीं पंजा के क्षेत्र में कमल खिलता दिख रहा है तो कहीं कमल के क्षेत्र में पंजा मजबूत होता दिखाई पड़ा। अमूमन हर चुनाव में मतदाताओं का ट्रेंड स्पष्ट तौर पर पता चल जाता है, लेकिन इस बार मतदाताओं ने सबको छकाया है। जहां तक बात रांची में आदिवासी मतदाताओं की है, ये तो 23 को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि रांची में आदिवासी मतदाता को भाजपा के पक्ष में करने में बबलू मुंडा, सबलू मुंडा, आरती कुजूर, अशोक बड़ाइक, सोमा उरांव, मेधा उरांव और रामकुमार पाहन कितने कामयाब रहे। लेकिन आदिवासी मतदाताओं की जहां तक बात है, रांची और खिचड़ी में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। वहीं बात तोरपा की करें तो झामुमो विधायक पॉलुस सोरेन की पैंतरेबाजी महागठबंधन और खासकर कांग्रेस उम्मीदवार काली चरण मुंडा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पहले तोरपा में रहते पॉलुस सोरेन खूंटी में कांग्रेस के उम्मीदवार काली चरण मुंडा के नामांकन में नहीं पहुंचे। इसके बाद चुनाव के वक्त घूमने दार्जिलिंग चले गए और वो चुनाव के ठीक एक दिन पहले लौटे। बताते चले कि कांग्रेस से उम्मीदवार बनाने के बाद काली चरण मुंडा पॉलुस सोरेन से मिलने गए थे। काली चरण ने उनसे सहयोग मांगा, लेकिन जेएमएम विधायक का मूड नहीं बदला। इसी कारण काली चरण को तोरपा में पॉलुस का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं कोलेबीरा में विक्सल कोनगाड़ी भी उतने कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। हालांकि वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेंड बता रहा है कि उम्मीद के अनुसार कामयाबी नहीं मिल पाई। बात सिल्ली की करें तो 2014 के चुनाव में 79,747 वोट अमित महतो और 2018 के उपचुनाव में 77,127 वोट लेने वाली उनकी पत्नी सीमा महतो का जादू भी क्षेत्र में नहीं चल पाया है। इसके पीछे का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन यहां कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि इसके पीछे सत्ता के गलियारे में तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन वक्त के साथ ही सच्चाई से पर्दा उठ पाएगा। यही हाल खूंटी विधानसभा क्षेत्र का रहा है। यहाँ झारखण्ड सरकार के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के लिए अग्नि परीक्षा थी, लेकिन लगता है कि इस अग्नि परीक्षा में जनता ने उन पर पहले के मुकाबले कम विश्वास किया है। चर्चा है कि नीलकंठ सिंह मुंडा के प्रभाव वाले क्षेत्र में कमल मजबूती के साथ नहीं खिल पाया है। साथ ही ईचागढ़ में भाजपा विधायक साधु चरण महतो भाजपा के लिए बहुत ही कारगर साबित होते नजर नहीं आए हैं। यहां पंजा को बहुत बल मिला है, इसी कारण कांग्रेस रांची सीट पर मुकाबले की बात कह रही है। वहीं भाजपा सिल्ली में सुदेश महतो की बदौलत बढ़त की उम्मीद बांधे हुए है।
भाजपा को थोड़ी परेशानी का सामना कांके विधायक जीतू चरण राम के ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ा है। इस क्षेत्र में जीतू का जादू नहीं चला है, वैसे शहरी क्षेत्र में मोदी के नाम का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर जरूर बोला है। रांची और खूंटी लोकसभा की ये परिस्थितियां हैं जिसने प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सियासत के गलियारे में यहां तक कहा जा रहा है कि झारखंड में ऐसा साइलेंट चुनाव पहले कभी नहीं देखा गया। बच्चों की सुबह पर चढ़कर हवाओं की सैर करते नारे गायब थे। चौराहों पर चटखारे लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की हार जीत तय करने वाला मजमा तो है, लेकिन स्पष्ट आकलन नहीं कर पा रहा है। नेताओं और राजनीतिक दलों की कम बेसी का आकलन दूर बैठे ही कर रहे आम मतदाताओं ने मतदान में गजब की चुप्पी साधे रखी। इस कारण यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार का मतदान कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाला है। ये राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं बल्कि उन चुनाव विश्लेषकों के लिए भी सबक होगा जो अब तक मानते रहे हैं कि किसी लहर या सत्ता विरोधी लहर में वोट प्रतिशत बढ़ता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मतदाता के दिल में क्या है इसकी थाह कोई राजनीतिक दल नहीं लगा पाया है। एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि देश में जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद भी वोटर खुलकर सड़कों पर निकलकर अपनी राय जाहिर कर रहा था। कस्बों में चौराहे से लेकर पान की गुमटियों तक घूमकर पता चल जाता था कि कांग्रेस गई, लेकिन इस बार नजारा ठीक उलट है। वोट देने के बाद भी जो आम वोटर हैं अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। चुनावी विश्लेषक भी स्पष्ट आकलन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे विश्लेषक मानते हैं कि अर्जुन मुंडा खूंटी की भरपाई खरसावां से कर सकते हैं, कारण 2014 में हार के बाद से लगातार वो जनता के बीच थे। आदिवासी सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस का उभार। आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी का सीमित फैलाव सिर्फ कोलीबीरा तक सीमित नहीं है, ये 2014 के बाद से झारखंड में हुए उपचुनावों में नजर आया है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 3 लोहरदगा, लिट्टीपाड़ा और कोलीबीरा आदिवासियों के लिए सुरक्षित थी। ये उपचुनाव क्रमशः 2015, 2017 और 2018 में हुए। 2014 के आम चुनाव, 2014 में हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में अगर इन विधानसभा क्षेत्रों के वोट शेयर की तुलना करें तो एक साझा ट्रेंड देखने को मिलता है। विश्लेषण की सुविधा के लिए बीजेपी और आजसू के वोट शेयर को साझा करके एनडीए के रूप में देखें और इसी तरह कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी के वोट को जोड़कर यूपीए के तौर पर देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी आजसू का साझा वोट शेयर आदिवासी क्षेत्रों में स्थिर रहा है, जबकि कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम के वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।